फरमानों की ये तीव्र आकांक्षा है कि मृत्यु के बाद हम अपना वास्तविक निवास स्वर्ग में पहुंचेंगे, और इसी अभिलाषा से प्रेरित होकर वह अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता हुआ आगे बढ़ता है। उस स्वर्ग राज में प्रवेश हम महिमा के साथ करेंगे, यह सब हमारे पुनरुत्थान के बाद होगा। ईसा ने हमें बता दिया है, क्योंकि वही हमारे मार्ग, सत्य और जीवन है। उन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त कर दिया है, यह बता दिया है कि मृत्यु से परे जीवन है। हम मृत्यु के अधीन में नहीं हो सकते, अंधकार के अधीन में नहीं हो सकते। हमारा जीवन मृत्यु से परे है, क्योंकि हम प्रकाश की संतान हैं, हम जीवन की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, और इसलिए हम इस दुनिया की संतान नहीं हैं। हमारी वास्तविक स्थिति परलोक की स्थिति है, अलौकिक स्थिति है। स्वर्गरोहण का जो अर्थ हमारे जीवन में होना चाहिए वो क्या हो सकता है, किस रूप में हम अपने दैनिक में यह स्वर्गरोहण का जो त्योहार है उसे हम समझ सकते हैं। स्वर्गरोहण का यह त्योहार निश्चित रूप से हमें आशा से ओतप्रोत कर देता है। एक सरल कहावत है, लोग कहते हैं, प्रक्रिया परिणाम को निर्धारित करती है, या प्रोसेस डिटरमिन्स द रिजल्ट अंग्रेजी में। यदि ईसा क्रूस के रास्ते से होकर के नहीं गुजरे होते और मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए होते, तब उनका जूठना संभवतः संभव नहीं होता, या हो सकता है स्वर्गरोहण संभव नहीं हो सकता। हमारे दैनिक में ये बहुत मायने रखता है कि हम खुशहाल, एक अलग स्तर का, एक उच्च स्तर का, लोग की नजरों में, अपनी नजरों में हम किस रूप में एक स्तरीय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यह बहुत कुछ निर्भर हम प्रत्येक पर निर्भर करता है। जितनी शक्ति और ताकत का हम खर्च करते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी जिम्मेदारी के लिए, तो हमें एक गहरे संतोष का अनुभव होता है। और मुझे लगता है कि मानव होने के नाते हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम अपनी ताकतों को बचाए रखें, अपनी क्षमताओं को हम बचाए रखें। यही प्रकृति हमारी स्वाभाविक प्रकृति के रूप में, लेकिन जब जब भी हम इन ताकतों को जो ईश्वर प्रदत्त है, इन क्षमताओं को हम बचाए रखते हैं, तब तब हमको लगता है कि हम विकृत के मार्ग पर चल रहे होते हैं, हम दूषित होते जाते हैं, और सरल शब्द में हम कह सकते हैं कि हम आलसी बन जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब जब भी हम ताकतों का खर्च करते हैं, इन क्षमताओं का हम खर्च करते हैं, तब हमें एक निखारपन आता है, एक सौंदर्य आता है, हम स्मार्ट बनते जाते हैं, हम और सुंदर बनते जाते हैं, हमें एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती जाती है। लेकिन जब जब भी हम इन ताकतों का खर्च करते हैं, तब तब हमें कष्ट होता है, दुख होता है, क्योंकि जब जब भी हम मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ऊर्जाएं निकलती हैं, और मनुष्य स्वभाव रूप में उस रास्ते से गुजरना नहीं चाहता है, कष्ट से गुजरना नहीं चाहता है। लेकिन मानव की बुनियादी मूल प्रवृत्ति है, या मूल रहस्य है जीवन का, वो है, ये है,
कि जब जब भी हम ज्यादा ताकत का, ज्यादा शक्तियों का, ज्यादा क्षमताओं का, या जो जो भी गुण हमारे पास है उनका हम प्रयोग करते जाते हैं, तब तब हम महिमान्वित होते जाते हैं अपने जीवन में और लोगों की नजरों में भी। और इसलिए दुनिया के कई संत महात्माओं को हम देखते हैं, उन्होंने इसी के जरिए आदर्श, एक नमूना हमारे सामने, मानव जाति के सामने रखा है। मदर तेरेसा को ही आप लीजिए, कितनी परेशानियां, कितना कष्ट उठाना पड़ा जब परित्यक्तों की, असहायों की, गरीबों की मदद के लिए वो सामने आई, लेकिन वो करती गई और तब लोगों ने उन्हें महान बना दिया, उनका व्यक्तित्व महिमान्वित हो गया और वो मदर बन गए। और उसी तरह महात्मा गांधी की बात हम सोचे, या तो अब्दुल कलाम की बात सोचे, या नेल्सन मंडेला की बात हम सोचे, यही बात है, ऐसे लोग परोपकारी होते हैं। हम अपने दैनदिन में बातचीत करते फिरते हैं कि हाँ वो पेड़ अच्छा है, वो पेड़ अच्छा नहीं, क्यों ऐसा? क्योंकि फल के जरिए हम पेड़ की पहचान कर लेते हैं। हमारे अपने 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 बारे में भी लोगों को कहते सुनेंगे कि हाँ ये व्यक्ति अच्छा है, वो व्यक्ति उतना अच्छा नहीं, इत्यादि इत्यादि। कुछ लोग बहुत बृहद स्तर पर महान बन जाते हैं, महिमान्वित हो जाते हैं, क्यों नहीं हम अपने छोटे स्तर पर, अपने इलाके पे ये स्तर प्राप्त करें, गौरव का, महिमा का क्यों नहीं स्तर हम प्राप्त कर सकते हैं अपने छोटे छोटे काम के लिए। लेकिन इसके लिए हमें परोपकारी बनना पड़ेगा। जिस तरह वृक्ष परोपकारी है, अपना फल नहीं खाता, किसी और के लिए होता है, तो उसी तरह हमें भी परोपकारी बनना सीखना है। जब जब भी हम परोपकारी बनते हैं, छोटे से बड़े, बड़े से बड़े हम बनते जाते हैं, तब तब हम महिमान्वित होते हैं, हमारा एक उत्थान होता है अपनी नजरों में और लोगों की नजरों में। सर्वरोहण की प्रासंगिकता इसी में है। आइए इस कृपा के लिए प्रार्थना करें कि हम परोपकारी बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Christ alone my hope is found, He is my light, my strength, my song.